हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। देखिए, मैथ के कुछ क्वेश्चन जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 4% की दर से, मतलब 4% मतलब 25 से कितना हो रही है? 26 पहले साल, दूसरे साल भी 25 से 26, तो 25 × 25 625 से 673, तो 2,24,375 बटा 625 × 673, सबको काटने पर आएगा 2,42,000, 2,42,684। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। रवि ने 50,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। रवि कितने का व्यवसाय? 50,000। 6 माह के बाद राजू 1 लाख का निवेश करके उसके व्यवसाय में जुड़ गया। राजू कितने लाख का? 1 लाख का। रवि द्वारा निवेश किए जाने के 1 वर्ष के बाद, तो ये कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक। ये 6 महीने तक, 6 कम से 6 दूनी 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5, 1:1। उन्होंने 63,000 का लाभ अर्जित किया, 63,000 का लाभ अर्जित किया, तो राजू का हिस्सा 63,000 / 2, तो ये हो जाएगा 31,500। दोनों 31,500 रवि का और 31,500 राजू का हिस्सा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। 1.24 के ऊपर बार को अनुचित बिन के रूप में लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 + 24, जितने के ऊपर बार है उसका 99, 1 + 24 / 99, 99 + 24, 99 + 24, 123/99, 3 से चला जाएगा 4, 41 बार, 3 से 33 बार, 41/33। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में पर्सन चिन्ह के स्थान पे कितना आएगा? लगभग तो 361 होता है, तो ये हो जाएगा 19 - 12 के अंदर 6 का भाग देंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -169 होता है 13 का भाग, 13 भाग 13, ये हो जाएगा कोष्टक में और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 19 और 13, 32, 32 में से 6 चला जाएगा, 19 में से 13 × 6 = 19, 19 भाग का 0/2, तो इसका आंसर आएगा 0। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। 210/12 सेकंड इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, तो 6 × 12 और 6 × 3 = 18, 5 × 10 का 0 से 0, 21 × 3, 63 किलोमीटर प्रति आवर, 63 किलोमीटर प्रति आवर, ये दोनों की चाल है, तो 63 - 4.5, 63 - 4.5 58.5 किलोमीटर प्रति आवर। आगे देखें स्टूडेंट, छठवा क्वेश्चन। 800 किमी की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किमी की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, शेष दूरी किस चाल से तय करेगा ताकि उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो? तो कुल दूरी 800 / 300 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से? 50 की चाल से। 500 किलोमीटर की दूरी अक्ष की चाल से तय करेगा, तो यह जाएगा 800/6/500/3
अक्ष बराबर 60, तो 800 बराबर 360 प्लस 30,000 बटा अक्ष, ये हो जाएगा 800 माइनस 360 अक्ष बराबर 30,000, तो हो जाएगा 440 अक्ष बराबर 440 अक्ष बराबर 30,000, 440 अक्ष बराबर 30,000 अक्ष बराबर 30,000 बटा 440, ये हो जाएगा इधर लिखते हैं 750 बटा 11 किलोमीटर प्रति आवर। किसी चतुर्भुज के विकिरण की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और इसके दो अंतर लंबों की लंबाई 6 मीटर और 10 मीटर है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऐसा चतुर्भुज है ऐसा, ये हो जाएगा एक और ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा इसका 10, तो इसकी हो जाएगी 1 बटा 2 इंटू 32 इंटू 6 प्लस 1 बटा 2 इंटू 32 इंटू 10, ऐसे चला जाएगा ये 16 बार 16 इंटू 6 96 प्लस 2 से चला जाएगा 16 बार 160 256 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड में सेमी लंबे तार के एक टुकड़े को दो टुकड़ों में काटा जाता है, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की 3/4 के बराबर है, ग्राउंड में कितने बराबर है 3/4, पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 7, 91/7 और छोटे की टुकड़े की लंबाई 3, 7 से चला जाएगा 13 बार 13 इंटू 3 39 मीटर। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अक्ष स्क्वायर माइनस 14 अक्ष प्लस 49 के मूलों की प्रकृति, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 49, तो 196 माइनस 196 बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।